HQ Gaming Studios. Just believe on truth. So hello guys, welcome back to another new amazing video of HQ Gaming Studios. गाइज आज की इस वीडियो में के अंदर मैं आप लोग के साथ एक रियल क्रिकेट 21 का नया फीचर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इससे पहले कभी भी रियल क्रिकेट वालों ने नहीं डाला। तो गाइज वो फीचर क्या है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जैसे कि वर्ल्ड क्रिकेट 2021 के अंदर जो है ये फीचर आया है। तो ये फीचर जो है ना, अगर रियल क्रिकेट 21 के अंदर आता है, रियल क्रिकेट 21 क्या ठीक सही होगा, गेम अच्छा लगेगा या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बाद आप लोगों ने आगे खुद डिसाइड करना है कि ये फीचर्स के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो गाइज चले जी स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पॉइंट गाइज, रियल क्रिकेट 20 के अंदर, 19 के अंदर या 18 के अंदर इस तरह का कोई भी फीचर नोटलेस मोबाइल वालों ने इस गेम के अंदर, इन गेम्स के अंदर नहीं दिया। वो क्यों गाइज? क्योंकि ये एक गेम रियल है, इसके अंदर रियल प्लेयर्स डाले गए हैं, रियल फेसेस के साथ, रियल जर्सीज के साथ, रियल बॉलिंग एक्शंस के साथ, हर चीज़ मतलब एकदम रियल सी है। तो गाइज़ वो लोग नहीं चाहते कि इसको ख़राब किया जाए, गेम को ख़राब किया जाए, क्योंकि एकदम रियल प्लेयर्स के साथ, रियल प्लेयर्स हैं इसके अंदर, तो उनको कस्टमाइज़ करके ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी कभी नहीं चाहेगी गाइज़ के उनकी बनाई हुई गेम, क्योंकि लॉन्च जो उन्होंने गेम लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करती है ना कंपनी, तो कभी नहीं चाहती कि उसका जो ना रेटिंग डाउन हो, उसका रेटिंग अप होना चाहिए। कंपनी हमेशा यही चाहती है। तो अगर पब्लिक डिमांड यही है कि इसके अंदर ये फीचर जो प्लेयर कस्टमाइजेशन का है रियल क्रिकेट 21 के अंदर आना चाहिए, तो गाइज मेरी मानिए तो आना चाहिए फीचर इसमें, और गेम एकदम बढ़िया हो जाएगा, अलग सा गेम निकल कर आएगा फिर रियल क्रिकेट 21। तो गाइस देखते हैं कि आगे जब गेम लॉन्च होके आती है, रिलीज़ होके आती है, तो क्या आता है उसके अंदर। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या ये फीचर इसके अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब आप लोग डिसाइड करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि क्या ये फीचर इसके अंदर आना चाहिए या नहीं आना, किन किन लोगों को लगता है कि आना चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं आना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि पता चले कि कितने लोग इसके ऊपर खुश हैं, हैप्पी हैं, एग्री हैं कि इसके अंदर ये फीचर आना चाहिए प्लेयर कस्टमाइजेशन का, और कितने लोग जो है ना डिसएग्री हैं कि इसके अंदर ये फीचर नहीं आना चाहिए। क्योंकि गाइज जहाँ तक लगता है कि प्लेयर जो होते हैं ना एकदम रियल होते हैं, रियल क्रिकेट 20 के अंदर एकदम रियल हैं, तो इनको जो है ना कस्टमाइज़ करना लाइक गेम ख़राब हो जाती है फिर एक तरह से ये लगता है। तो दूसरी तरफ ये भी लगता है कि कस्टमाइज़ करने मतलब है अपना मन पसंद जाना प्लेयर बना कर जाना बंदा खेले, तो अपना ही मज़ा है यार। तो गाइज आप लोग इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई इसी तरह की अमेजिंग धमाकेदार वीडियो अपलोड कर, तो उससे पहले सबसे पहले आप लोग इसका फ़ायदा उठा सको। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।